Being English classes, your master key towards perfection. हेलो फ्रेंड्स, बिग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पोएम नंबर 11, जो कि एक एन ओल्ड वुमन, जिसे अरुण कोलटकर ने लिखा है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एन ओल्ड वुमन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो टाइटल है वो, ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है एक पोएम में, और देखते हैं आगे चलकर कि एग्जैक्टली क्या है इस पोएम में, कि ओल्ड वुमन के बारे में बताया गया है। प्री रीडिंग एक्टिविटी करते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ। हैव यू एवर विजिटेड अ टूरिस्ट प्लेस, पिलग्रिम सेंटर, व्हाट फैसिनेट्स यू देयर? फैसिनेट्स का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि जब भी आप कोई एक धार्मिक स्थल जाते हो तो आपके दिल में कैसे भावना उत्पन्न होती है, कैसा आपको लगता है जब आप लोग ऐसे धार्मिक स्थल जाते हो, चाहे वो कोई दरगाह हो या कोई टेंपल हो या कोई चर्च हो या कोई और हो आपके रिलीजन के मुताबिक। और दूसरा क्वेश्चन है, तो मेरा आंसर ये होगा कि जब जाता हूँ किसी धार्मिक स्थल तो मुझे सुकून मिलता है। हम लोग क्यों जाते हैं धार्मिक स्थल? हम लोग सुकून पाने के लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इज इट द बिल्डिंग्स, लैंडस्केप और पीपल? शेयर योर ओपिनियन विथ योर फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वहाँ पर जाने के बाद आपको धार्मिक स्थल में आपको क्या ऐसा अच्छा लगता है? क्या वहाँ की जो बिल्डिंग है, यानी मंदिर की जो, क्या आपको मंदिर पसंद है या फिर आस पास का जो परिसर है वो अच्छा लगता है, या वहाँ के जो लोग हैं वो आपको अच्छे लगते हैं? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। इसका आंसर आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा और हर इंसान का अपना अपना एक आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप लोगों को इस पोएट के बारे में देना चाहता हूँ कि ये जो पोएट है ये कौन है। दरअसल ये जो पोएट है, ये इसका नाम है अरुण कोलटकर। नाम से हम लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो बंदा है ये महाराष्ट्रियन पोएट है, और हालांकि ये मराठी और इंग्लिश में दो भाषाओं में पोएम लिखते थे, तो इसीलिए इन्हें बाइलिंगुअल पोएट कहा जाता है। तो अरुण कोलटकर, जिनका जन्म 1932 में हुआ और इनका जो मृत्यु हुई 2004 में हुई, वॉज एजुकेटेड इन मुंबई वेयर ही वर्कड एज ग्राफिक आर्टिस्ट। मुंबई में इनकी पढ़ाई हुई थी और फिर वहां पर उन्होंने ग्राफिक आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। अ विनर ऑफ द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज भी इन्होंने जीता है। कोलटकर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कवि, ओपिनियन, लिटरेरी रिव्यू, न्यू राइटिंग इन इंडिया एंड द शेल एंड द रेन। ये सारे के सारे जो है ये इनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी है। ही इज अ बाइलिंगुअल पोएट and has translated Marathi poems. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये bilingual poet है और बहुत सारे मराठी poems को उन्होंने English में translate किया है। This poem is selected from Jejuri, a collection of his poem. तो ये बहुत important है, Jejuri के बारे में मैं जो आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, तो इसका जिक्र जो है ये poem में भी है। Jejuri जो है ये actually देखा जाए तो एक धार्मिक स्थल है महाराष्ट्र में, जो पुणे के लगभग करीब करीब है, काफी important है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल है ये, धार्मिक स्थल है महाराष्ट्र मराठी लोगों के बीच, और लोगों की, खासकर मराठी लोगों की जो आस्था है इस टेम्पल को लेकर काफी ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि इसी के नाम पर जो अरुण कोलटकर है इन्होंने एक पोयम की कलेक्शन बनाई है। तो पोयम की कलेक्शन क्या होती है? अरुण कोलटकर ने क्या किया है, एक किताब लिखी है और उस किताब में तरह तरह के पोयम्स लिखे हैं उन्होंने। दरअसल वो किताब जो है वो पोयम की ही किताब है, इसलिए उसे कहा जाता है कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, और उस किताब को नाम दिया है Jejuri। तो बस इतना ही था इनका जो इंट्रोडक्शन। अब हम पोएम की तरफ रुख करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में बहुत सारे जो आस्था रखने वाले जो लोग हैं वो एक टेंपल के सामने खड़े रहकर लाइन में खड़े हैं, और फिर सेंट्रल कैरेक्टर आप जो देख सकते हो जो ओल्ड वुमन है, जो एक हाथ में लकड़ी लिए एक इंसान का कोट पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। An old woman grabs hold of your sleeve and tags along. अरुण कोलटकर अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब वो एक इस Jejuri जो टेम्पल है, जब वहां पर वो गए तो वहां का एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब मैं Jejuri के टेम्पल में जाने, अंदर जाने के लिए जब मैं लाइन में खड़ा था, उस वक्त मुझे एक ओल्ड वुमन यानी एक बहुत बूढ़ी औरत मेरे सामने आई और मेरे सामने हाथ
आके कर मुझसे डिमांड कर रही थी कि मैं उसे 50 पैसा दूं। वो इतनी जिद्दी थी कि वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मेरे हाथ का जो बाएं थी उसे पकड़े हुए थी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो मेरे साथ साथ बढ़ रही थी। फाइनली वो कहती थी कि मैं उसे 50 पैसा दूं और इसके बदले में वो मुझे हॉर्स शू श्राइन, यानी जो जेजुरी जो मंदिर है, ये घुमा कर लाएगी। जेजुरी मंदिर के बारे में बताएगी, वो जगह बताएगी जहाँ पर खंडोबा, जो इनका मंदिर में जो भगवान है, के जो घोड़े के जो पैर के टापू के जो निशान है वो मुझे दिखाएगी। उसके लिए वो 50 पैसा ले रही है, लेकिन मैंने ऑलरेडी वो देखा है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस औरत के साथ घूमना, क्योंकि मुझे काफी शर्म महसूस हो रही थी कि मैं इसके साथ मंदिर घूमने जाऊं। सारे लोग मुझे देख रहे थे और जिस तरह से वो मुझे पैसे मांग रही थी, ये एक मजाक का विषय बन चुका था। तो धीरे धीरे मुझे गुस्सा आ रहा था। आखिरकार मुझे ये जो नाटक चल रहा था इसे खत्म करना था, और मैंने गुस्से से जब मैंने उसकी तरफ देखा तब मैंने पाया कि जो ये बूढ़ी औरत है ये काफी बूढ़ी है और बीमार दिखाई दे रही थी। उसके आंखों के आसपास जो रिंकल्स बने थे, जो लाइंस बने थे, जो रेशाएं बनी थी, वो साफ साफ बता रही थी कि ये जो बूढ़ी औरत है ये काफी बूढ़ी हो चुकी थी, और उसकी जो आंखें थी वो अंदर धस चुकी थी बुढ़ापे की वजह से, या हो सकता है ये काफी बीमार होने की वजह से इसकी जो आंखें थी ये अंदर की ओर चली गई थी। शरीर जो उसका था वो बता रहा था कि वो काफी कमजोर हो चुकी थी और इस काम के लिए वो अब पूरी तरह से लायक नहीं थी। अरुण कोलटकर को सबसे पहले गुस्सा आ रहा था इस बूढ़ी औरत पर कि जिस तरह की जो हरकत वो कर रही थी, लेकिन अब अरुण कोलटकर को उस पर दया आ रही थी कि इतनी बूढ़ी औरत को भी इस उम्र में काम करना पड़ रहा है ऐसी जगह पर। तो जब अरुण कोलटकर ने गुस्से से उस औरत के चेहरे पर देखा तो पता चला कि अरुण कोलटकर को तो जो बूढ़ी औरत थी उसने जवाब दिया कि इस तरह के वीरान जगह पर एक बूढ़ी औरत और कर भी क्या सकती है सिवाय एक गाइड बनने के। यानी कि वो बूढ़ी औरत जो है वो अरुण कोलटकर को बता रही थी कि मेरे पास इसके सिवा और कोई काम नहीं है, मैं भीख नहीं मांगना चाहती, भीख मांगने के बदले मैं काम करना पसंद करती हूँ। और फिर अरुण कोलटकर ने जब गौर से उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर देखा तो पाया कि वो इतना मग्न हो चुका था उसके चेहरे में कि उसे आसपास की सुध नहीं थी। वो जिस मंदिर के लिए वहां पर आया था वो मंदिर भी उसे अब दिखाई नहीं दे रहा था, वो पहाड़ उसे दिखाई नहीं दे रहे थे, और वो जो आसमान था वो भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर में अरुण कोलटकर को समझ में आता है कि मेरी जो वैल्यू है वो 50 पैसे से भी कम है इस बूढ़ी औरत के सामने। तो ये था पोएम की समरी। अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। एन ओल्ड वुमन ग्रैब्स, ग्रैब्स का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड ऑफ योर स्लीव, एंड टैग्स अलोंग का मतलब साथ साथ चलना, उसको टैग्स अलोंग कहते हैं। तो यहाँ पर अरुण कोलटकर कह रहे कि एक बूढ़ी औरत मेरे साथ साथ चल रही थी, मेरी जो बाएं थी, मेरी जो स्लीव थी, मेरा शर्ट का जो स्लीव था उसे पकड़े हुए थी और मेरे साथ साथ चल रही थी, मेरे साथ साथ आगे बढ़ रही थी। शी वॉन्ट्स अ 50 पैसा कॉइन, शी सेज शी विल टेक यू टू द हॉर्स शू श्राइन। वो कहती है कि उसे 50 पैसा चाहिए और उसके बदले वो मुझे मंदिर दिखाएगी, मंदिर का परिसर घुमा कर लाएगी, और जो वहाँ की जो फेमस चीज है वो है हॉर्स शू श्राइन। अब ये हॉर्स शू श्राइन होती क्या चीज है? देखा जाए तो ये जो मंदिर है जेजुरी मंदिर में एक लोगों की आस्था है कि वहां पर खंडोबा नाम का एक भगवान विराजमान है। इस भगवान की खासियत ये थी कि इसके पास एक तलवार थी जो 42 kg की थी, और ये तलवार वो इस्तेमाल करते थे राक्षस लोगों को मारने के लिए। और जो घोड़ा उनके पास था वो घोड़े की जो टाप थी, यानी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर वो घोड़ा कूदता था, और जब वो घोड़ा कूदता था इस जगह जहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है, इसके पहले जब वो घोड़े ने वहां पर उड़ी मारी थी तो उस घोड़े की टाप के जो निशान थे वो वहां पर छप गए थे या उड़ गए थे, इसीलिए वहां पर उसे हॉर्स शू श्राइन कहा जाता है। यू हैव सीन इट ऑलरेडी एंड शी हॉबल्स अलोंग एनी वे एंड टाइटन्स हर ग्रिप ऑन योर शर्ट। ये जो औरत है इतनी जिद्दी है कि वो मानती ही नहीं, और अरुण कोलटकर कहते हैं कि मैंने वो ऑलरेडी देख चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये बुरी औरत मुझे साथ में लेकर चले। शी हॉबल्स,
हॉबिंस का मतलब होता है काफी लंगड़ा कर चलना, साथ में बुढ़ापे की वजह से उसकी जो चाल थी वो बदल चुकी थी और बिगड़ चुकी थी, और जिसकी वजह से उसे चलना ठीक से नहीं आ रहा था, तो उसे हॉबल कहते हैं हम लोग। तो जो बूढ़ी औरत है ये अपनी जो पकड़ है उस अरुण कोलट के जो बाहें थी और कसते जा रही थी। शी वॉन्ट लेट यू गो, यू नो हाउ ओल्ड वुमेन आर, दे स्टिक टू यू लाइक बर। अरुण कोलटकर कहते हैं कि वो इतनी जिद्दी थी, वो मान नहीं रही थी और वो इतना आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। आपको तो पता है कि बूढ़े औरतें कैसी होती है, वो तुम्हें इस तरह से चिपक जाती है जैसे कोई एक बर। एक्चुअली बर का मतलब होता है, जो खेतों में रहने वाले जो लोग हैं उसे अच्छी तरह से समझ में आएगा एक्चुअली बर होता क्या है। बर ये एक घास फूस होती है एक्चुअली। जब आप अंदर जाते हो घास घास में और जब बाहर आते हो तो आपके शर्ट पर, आपके पैंट पर एक कांटेदार कुछ चीजें चिपक जाती है, फिर उसे निकालना पड़ता है आपको हाथ से, उसे कहते हैं बर। ये आपको ऐसा चिपक जाती है जैसे कि बर। तो यहाँ पर जो ओल्ड वुमन है उसे बर्ग के साथ कंपैरिजन किया है। यू टर्न अराउंड एंड फेस हर विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी, यू वॉन्ट टू एंड द फार्स। अब जो अरुण कोलटकर है वो इतना गुस्सा हो चुके थे कि वो ये जो नाटक जो चल रहा था, ये जो ड्रामा चल रहा था, इसे बंद करना चाहते थे, इसे खत्म करना चाहते थे। और गुस्से से जब वो पलट कर वो बूढ़ी औरत की तरफ देखते हैं, यहाँ पर एयर ऑफ फाइनलिटी मतलब फाइनलाइज करना, फाइनल करना, और एंड द फार्स का मतलब होता है ये जो ड्रामा था इसे खत्म करना था। When you hear her say, what else can an old woman do on hills as wretched as this? जैसे ही अरुण कोलटकर ने पलट कर उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा गुस्से से, तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है इसके सिवा। और इस तरह के जो पहाड़ों में, ऐसे पहाड़ों में जो वीरान पहाड़ है, ऐसी बूढ़ी औरत और कर भी कह सकती है। यू लुक राइट एट द स्काई। जब बूढ़ी औरत ने ये कहा, जब ये जवाब दिया अरुण कोलटकर को, तब अरुण कोलटकर को काफी शर्म महसूस हुई और अरुण कोलटकर को समझ में आया कि उन्होंने गलती की, कि उन्होंने उस बूढ़ी औरत पर गुस्सा किया। तो वो आसमान की तरफ देखते हैं जैसे कि उन्हें एक पश्चाताप हो रहा है। क्लियर थ्रू द बुलेट होल्स शी हैज फॉर आइज। जैसे ही उन्होंने बूढ़ी औरत के आंखों में आंखें डालकर जब देखा कि उसकी जो आंखें हैं बूढ़ी औरत की, वो पूरी तरह से अंदर की ओर धस चुकी है, और ऐसी आंखों को इंग्लिश में बुलेट होल्स कहा जाता है। तो अरुण कोलटकर ने देखा कि उस बूढ़ी औरत की आंखें जो थी वो पूरी तरह से बुलेट होल्स थी। उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने बेवजह उस बूढ़ी औरत पर गुस्सा किया। एंड हैज यू लुक ऑन द क्रैक्स दैट बिगेन्स अराउंड हर आईज स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन। और जैसे जैसे अरुण कोलटकर ने गौर से और काफी ध्यान से जब उस बूढ़ी औरत की ओर देखा, तो उस अरुण कोलटकर को वो जो आंखों के आसपास जो लाइंस थे जो बुढ़ापे की वजह से उभरती है चेहरे पर, वो काफी क्लियरली उसे दिखाई दे रही थी, और वो लाइंस काफी लंबे लंबे थे जो बढ़ते बढ़ते ही जा रहे थे, और पूरे शरीर पर वो जो लाइंस थे वो दिखाई दे रहे थे। एंड द हिल्स क्रैक एंड द टेम्पल्स क्रैक एंड द स्काई फॉल्स। और इस तरह से जब वो पूरी तरह से जो अरुण कोलटकर थे वो ध्यान मग्न हो गए थे और खो चुके थे उस बूढ़ी औरत के पर्सनालिटी में, उस बूढ़ी औरत के चेहरे में, कि उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो पूरी तरह से फोकस कर रहे थे उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो हमें आसपास के जो चीजें होती है वो दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होता है। ठीक उसी तरह से अरुण कोलटकर कहते हैं कि मेरे आसपास मानो ऐसा हो गया जैसे कि जो पहाड़ थे और जो मंदिर था और जो आसमान था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, टूट चुका था, और उसकी जो आवाज थी वो टूटने की, वो ऐसा कंपेयर करते जैसे कि किसी ने प्लेट जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया हो। विद अ प्लेट ग्लास क्लैटर अराउंड द शटर प्रूफ क्रोन हु स्टैंड्स अलोन। और अरुण कोलटकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि उस औरत के आसपास की जो चीजें थी वो ऐसे टूट चुकी थी जैसे कि एक प्लेट ग्लास आवाज करते हुए जब वो जमीन पर गिरता है, उस शरीर से उस बूढ़ी औरत के आसपास ये सारी चीजें टूट चुकी थी। तो ये इमेजिनेशन है, ठीक है। हालांकि हकीकत में कोई मंदिर या कोई पहाड़ टूटा नहीं था, बस वो उनका एक इमेजिनेशन था कि उनका जो भ्रम था। यहाँ पर मंदिर
और जो आसमान और जो पहाड़ है, इसे यहाँ पर एक भ्रम के तौर पर लिया जाता है कि अरुण कोलोड़ का जो भ्रम था उस बूढ़ी औरत की तरफ, ये सारी बूढ़ी औरतें ऐसी ही होती हैं, उन्हें पैसा ही चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने देखा तो उनका भ्रम टूट चुका था। शटर प्रूफ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, कभी ना टूटने वाला, इसे कहते हैं शटर प्रूफ। और क्रोन का मतलब होता है एक बूढ़ी औरत। एंड यू आर रिड्यूस्ड टू सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड। स्मॉल चेंज क्या था इसके हाथों में? वो था जो शायद किसी ने पहले दिया होगा पैसा उस बूढ़ी औरत को, तो वो पैसे 50 पैसे उसके हाथ में थे, तो उसे स्मॉल चेंज यहाँ पर कहते हैं। और अरुण कोलट कर फिर अपने वैल्यू के बारे में कहते हैं कि मेरी जो औकात है वो इस बूढ़ी औरत के हाथ में जो 50 पैसा है उससे भी कम है, क्योंकि मैं 50 पैसा भी दे नहीं पाया इस बूढ़ी औरत को। तो ये था समरी और एक्सप्लेनेशन इस पोएम का। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको कोई और डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।